नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। और आज हमारे साथ हैं अर्पित द्विवेदी जी आस्था मुक्ति चैनल से, और आप लोग इनसे भली भांति परिचय होगा ही, नहीं परिचय है तो एक बार आस्था मुक्ति चैनल जरूर देखिएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा इनके बारे में काफी डिटेल्स है। तो ये तो होगा जो ये हमें अब तक बताते आए हैं, लेकिन आज हमारा जो सेशन है कि जो एक प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा गया है धार्मिकों के द्वारा, उसका आज ये बहुत ही अच्छा उस पर उनसे हमारी बातचीत होगी इस टॉपिक पे कि इसका क्या उत्तर है। प्रश्न है कि अगर आज की डेट में अगर आज की डेट में बंदर इंसान नहीं बन रहे हैं तो कैसे ये कहा जाता है कि बंदर से ही इंसान बने हैं, ऐसा लोगों का कहना है। अब ये सही है कि गलत है, इसके बारे में हमारे अर्पित द्विवेदी जी बताएंगे। ये स्पेशलिस्ट हैं इस फील्ड के और इस पर कई सारी वीडियो भी इनने बनाई है, अच्छा इनका रिसर्च है। तो इस पर बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि अर्पित जी आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, जो शायद अभी तक आपने न तो अपने चैनल पे अपने बारे में कुछ बताया है और न ही किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा परिचय दीजिए कि आप कैसे इस फील्ड में आए, कि आप शुरू से ही एथिस्ट रहे हैं या रेशनल रहे हैं, या फिर शुरू में आप सामान्य लोगों की तरह एथिस्ट थे, थाइस्ट थे, और फिर आपका मन बदला या आपने इस पर गौर करना शुरू किया और फिर आप इस फील्ड में आए, और फिर आपने यूट्यूब चैनल पर आने का कैसे सोचा, यूट्यूब पर आपने वीडियो बनाने की कैसे सोची, कि लोगों को जागरूक करने की कैसे सोची, तो इसके बारे में एक छोटा सा अपना परिचय जरूर दीजिए सर। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, साइंस जर्नी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर अपनी बात रखने का। दोस्तों, ऐसा था मेरे साथ कि मेरी ना लाइफ का एक पूरी एक जर्नी है जो यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, उसके पीछे पूरी जर्नी है। ऐसा नहीं था कि मैं बचपन से ही अथीश था या बचपन से मैं बहुत ज़्यादा रैशनल था। मैं भी जो है सामान्य लोगों की तरह जैसे एक धार्मिक परिवार में ही पैदा हुआ था, और जैसा कि होता है जो भी हमारे धर्म कर्म जो कुछ भी हमें बचपन से सिखाए जाते हैं, तो उन सब में एक समय तक मेरी आस्था थी। हालांकि कहीं ना कहीं मन में कुछ सवाल हमेशा मेरे बने रहते थे कि ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, कर्म कांड है या जो भी हमारी मान्यताएं हैं या जो कुछ भी विश्वास हैं, इनके पीछे बेस क्या है, क्या कोई वास्तव में इसके पीछे कोई कोई वेरीफाइबल बेस है, कोई सत्य चीज है ये, या फिर ये सिर्फ एक मात्र आस्था ही है जिसको कि हम मानते चले आ रहे हैं। तो ये सवाल काफ़ी समय तक मेरे दिमागों में चलता रहा, मैं नए नए किताबों को पढ़ता रहा, जहाँ भी जितना जिस सोर्स से भी मैं खोज सकता था इसके बारे में, उसके बारे में मैंने खोजने की कोशिश की पूरी। इंटरनेट का काफ़ी योगदान रहा इसमें, इंटरनेट के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है उपलब्ध हो गई खोजने के लिए, खोजना आसान हो गया, क्योंकि उससे पहले तो क्या था कि केवल किताबों का ही सहारा था, किताबें थी, पत्रिकाएं थी, उनके जरिए ही जो कुछ पता चल सकता था वही आप जान सकते थे। तो वहाँ सब ये सब चलता रहा, खोज चलती रही, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं मैं जब तक कॉलेज टाइम में था तब भी कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि शायद कोई ना कोई शक्ति ऐसी हो सकती है या होनी चाहिए कि जो कि इस ब्रह्मांड को संचालित करती हो। फिर वहाँ से फिर मेरा झुकाव जो है अध्यात्म की तरफ हो गया, तो जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनकी बातें मुझे अच्छी लगने लगी, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद ये कुछ सच के करीब करें, क्योंकि जो धार्मिक पोंगापंथी थी वो तो अब समझ में आने लगी थी कि भाई उसमें कोई दम नहीं है, वो सिर्फ लोगों को एक भेड़ चाल समझ लीजिए, एक तरह की भेड़ चाल है कि जिसमें कि लोग लगे हुए हैं। तो फिर अध्यात्म की तरफ जब रुझान बढ़ा तो फिर ओशो को पढ़ा, कृष्णमूर्ति को पढ़ा, तो फिर वहां से कुछ थोड़ा सा विचारों में परिवर्तन आया। फिर और फिर जैसे जैसे नॉलेज बढ़ी तो फिर जो एथिस्ट हैं उनको फिर देखना सुनना शुरू किया, रिचर्ड डॉकिंस हैं उनकी कई बुक्स को मैंने पढ़ा, तो वहां से फिर जो विचारों में क्लियरिटी आनी शुरू। हालांकि इस दौरान मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात और बताना चाहूंगा कि जब ये सब हो रहा था उसी बीच में एक समय ऐसा आया था कि मेरा बिजनेस थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था उस समय, तो ज्योतिष का मेरे को बड़ा शौक था, तो मैंने ज्योतिष के बारे में भी मैंने काफी अध्ययन किया हुआ था। तो एक मौका मतलब लाइफ में ऐसा आया कि जबकि मुझे लगा कि मुझे इसको एज अ प्रोफेशन मुझे इसे बनाना चाहिए, तो फिर मैं इस बारे में विचार किया मैंने, और फिर मैंने इसको कुछ सालों तक इसको एज ए प्रोफेशन भी प्रैक्टिस किया। वहां से भी मुझे बहुत कुछ चीजें समझने को मिली। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम किसी चीज को बाहरी तौर पर देखते हैं,
या आप इसको इस तरह से समझिए कि जैसे मंच पर कोई जादू दिखाया जा रहा है, कोई जादूगर है, कोई जो कि मंच पर मैजिक दिखा रहा है, तो आप दर्शक दीर्घा में बैठकर देखना और फिर उस मंच पर पहुंच जाना, उन दोनों में बड़ा फर्क होता है। जब आप दर्शक दीर्घा में बैठे होते हैं तो वहां पर आपको हर चीज समझ में नहीं आती, आपको जो वो जादूगर जो दिखाना चाहता है वही आपको दिखता है, उसके पीछे की सच्चाई आपको समझ में नहीं आती। लेकिन एक बार जब आप स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो जो पीछे की सच्चाइयां हैं वो सामने आने लगती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब मैं ज्योतिष के प्रोफेशन में आया तो इस प्रोफेशन के जो लोग हैं उनसे मुलाकात हुई, बहुत सारे जो बाबा हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उन सबसे मुलाकात हुई, उनके साथ बैठना हुआ, वो किस तरह से काम करते हैं, उनका जो पूरा ये जो सब कुछ चलता है वो किस तरह से चलता है और उससे उन्हें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो सारे जो गणित है वो सब समझ में आने लगा। तो वहां से फिर चीजें काफी क्लियर हो गई। फिर समझ में आने लगा कि ये जो सब कुछ है इसमें कोई भी बेस नहीं है, कोई भी सत्य नहीं है, ये सब सिर्फ पाखंड है, ये सब सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का, उनको उनकी भीड़ इकट्ठी करने का, उनको उनको राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने का जरिया है और साथ में धन कमाने का जरिया तो है। तो इस तरह से फिर मेरी जर्नी हुई। फिर वहां से एक टर्निंग पॉइंट आया, फिर जो मैं प्रोफेशन कर रहा था, हालांकि मैं उसमें अच्छा खासा अर्न कर रहा था और मुझे उसमें फ्यूचर काफी ब्राइट दिख रहा था, क्योंकि भारत जैसे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि इस तरह की चीजों में विश्वास करते हैं, अंधविश्वासों में बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं, और खासतौर पर ज्योतिष तो एक ऐसी चीज है कि जो कि जो जो रैशनल लोग भी हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इसके प्रति जिज्ञासा रहती है कि शायद कोई कोई ऐसा जरिया मिल जाए, कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि हमारा भविष्य पता चल जाए। तो वहाँ काफी एक ब्राइट अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, बट लेकिन जो मेरा मन था फिर वो अलाउ नहीं कर रहा था उस समय कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मेरा मन अंदर से दिल जो है वो कुछ और कह रहा था, और जो जो मेरे ऊपर जो एक क्या कहते हैं कि जो एक एक आर्थिक का आर्थिकी का जो दबाव था, जो एक अर्न करने का जो एक प्रेशर था, सोशल स्टेटस का जो प्रेशर था, वो कुछ और कह रहा था। तो फिर उसमें से एक चुनाव करना था मुझे कि क्या मैं अपने मन के साथ जाऊं या जो समाज जहां मुझे ले जाना चाहता है मैं उधर की तरफ जाऊं। तो आखिरकार काफ़ी पेशोपेशमा रहा, फिर निर्णय यही किया कि जिंदगी भर दोहरी जिंदगी जीने से, क्योंकि जब आपके पास सामने सच्चाई आ गई है तो फिर आप उसको कैसे भी उसको भुला देने का या उसको डिनाई कर देने का कोई रास्ता नहीं बचता। तो फिर यही सोचा कि बेहतर यही है कि दोहरी जिंदगी जीने से बेहतर है कि इस सब को छोड़ा जाए और लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाए। तो फिर ऐसे ही फिर सिलसिला स्टार्ट हुआ, क्योंकि कोई ऐसा जरिया नहीं था तो एक सोशल मीडिया ही एक जरिया ऐसा मिला कि जहाँ से अपनी बात कही जा सकती थी। तो फिर फेसबुक से शुरू किया, फेसबुक पर थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और कुछ सालों के अंदर काफ़ी लोग फेसबुक पर जानने लगे। तो वहाँ से फिर कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि फेसबुक से बड़ा प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब है, यूट्यूब पर जाएं तो आपको ज़्यादा लोग सुनने वाले मिलेंगे वहाँ पर, क्योंकि लिखने को पढ़ने वाले जो है बहुत कम है, इतने ज़्यादा लोग नहीं है जो कि इतने लंबे लंबे लेखों को पढ़ सकते हैं। हाँ, वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं ऐसे जो कि देख सकते हैं, और वीडियो इंटरेस्टिंग भी होती है क्योंकि इसमें ग्राफिक्स वगैरह होता है, साउंड है, आप डिफरेंट एनिमेशन लगा सकते हैं उसमें, तो वो इंटरेस्टिंग बन जाती है काफ़ी, बजाय कि आप किसी लेख को पढ़ें। तो वो एक बढ़िया जरिया हो गया। तो वहाँ से फिर यूट्यूब पर स्विच किया, और आप लोगों का प्यार है कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो इस तरह से फिर सिलसिला ही चलने लगा। जी, आपकी जर्नी सुनकर काफ़ी अच्छा लगा, और आप ज्योतिष में एक्सपर्ट हैं, और जैसा कि आपने बताया कि ज्योतिष पर आप प्रोफेशन एज ए प्रोफेशन भी कुछ समय के लिए रहे थे, तो मैं जरूर चाहूँगा कि कभी सर आपको बुलाऊं और ज्योतिष पे ही चर्चा करूं, क्योंकि फिर आपसे बेहतर ज्योतिष की पोल खोल कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस जी जी तो इसके लिए मैं आगे फिर कभी एक सेशन रखूंगा। और दूसरी बात कि आप जब YouTube चैनल पे आए थे तो मुझे याद है कि आपका जो सबसे पहला वीडियो था वो था अग्निव्रत नेस्टिक करके एक है कोई बंदा जो काफी मिथोलॉजी मिथ के साइंस को मिथ साइंस प्रचारित कर रहे हैं, तो उनका आपने खंडन किया था, वो वीडियो मेरे पास भी पहुंची थी।
किसी ने शेयर किया था और उसी वीडियो को देखकर मैं समझ गया था कि आपको भी मैं जान गया था, आपकी विचारधारा को भी समझा कि आप कितने बेहतरीन ढंग से उसको एक्सपोज किए थे। तो वो सब्जेक्ट भी बायोलॉजी से ही रिलेटेड था और आज भी हमारा सेशन उसी टॉपिक से ही लगभग रिलेटेड है। और तो हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं सर कि जो हमारा मेन सवाल है कि जो लोगों ने ये फैला रखा है, अक्सर देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि जो एवोल्यूशन थियरी है, जो ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है, उसमें लोग इस तरह से बताते हैं कि बंदर से इंसान बना, और तो फिर आज के जो बंदर हैं वो इंसान क्यों नहीं बन रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सर इस पे आप एक विस्तृत चर्चा रखें, इस पर इसको आप थोड़ी डिटेल्ड में समझाएं ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए कि इस स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है या इसमें कुछ मिसकंसेप्शन फैलाया गया है या फिर एक्चुअल सच्चाई क्या है एवोल्यूशन की। जी देखिए, ये तो एवोल्यूशन के बारे में जो इस तरह का सवाल करते हैं उसका मेन कारण यही है कि वो जो एवोल्यूशन की जो पूरी प्रक्रिया है, जो उसका जो पूरा मैकेनिज्म है, उसको वो समझते नहीं। अगर वो उस चीज़ को समझ लेंगे तो ये सवाल अपने आप ही मिट जाएगा, ये सवाल उनके दिमाग में आएगा ही नहीं। ये सवाल आने की वजह ही ये है कि वो उस चीज़ को समझते नहीं है। तो आज इसमें मेरी कोशिश रहेगी कि इस एवोल्यूशन की पूरी प्रक्रिया को समझाया जाए और साथ में ये सवाल किस तरह से गलत है ये भी लोगों को बताया जाए और सही तरीका क्या है कि जो इंसान का जो एवोल्यूशन हुआ है वो उसका पूरा प्रोसेस क्या है ये भी लोगों को पता चले। तो स्क्रीन शेयर कर दूं क्या मैं? हाँ हाँ स्क्रीन शेयर इसको। जी जी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी स्क्रीन जी। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा देखें क्योंकि इसमें बहुत सारे बीच में ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो कि मैं चाहता हूँ कि कोई मिस ना करे, क्योंकि अगर आप उनको मिस कर देंगे तो फिर आप इस पूरे आइडिया को समझ नहीं पाएंगे। तो आज ये जो सवाल है, अगर इंसान बंदरों से विकसित हुआ तो आज कोई बंदर इंसान क्यों नहीं बनता, ये सब इस सवाल का जवाब तो आपको इस वीडियो में मिलेगा ही। साथ में एवोल्यूशन के बारे में बहुत सारे जो मिथ हैं, मिसकंसेप्शन हैं आपके भीतर में, वो सब भी इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो इसके साथ में आपको बहुत कुछ और भी नया सीखने को मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया शुरू में कि ये जो सवाल है ये उठता ही वहां से है कि जहां पर जो लोग हैं उनको समझ नहीं है कि एवोल्यूशन किस तरह से हुआ। अक्सर क्या होता है कि लोग हम जो है कोई किताब पढ़ी सरसरी तौर पर या किसी से कोई वीडियो देख ली यूट्यूब पर छोटी मोटी एवोल्यूशन के बारे में, और उससे ही हम नॉलेज को गेन कर लेते हैं और हम सोचने लगते हैं कि शायद हमको एवोल्यूशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो समझ में आ गई, जबकि ऐसा होता नहीं है। एवोल्यूशन का जो विषय है वो अपने आप में काफ़ी विस्तृत है। डार्विन ने भी जब इसके बारे में लिखा था तो पूरी उनकी एक बुक है, इसमें उन्होंने एवोल्यूशन की पूरी प्रक्रिया को समझाया था। तो जो पूरी प्रक्रिया है वो इतनी छोटी भी नहीं है कि जिसको कि आप कोई छोटी मोटी यूट्यूब वीडियो देखकर समझ लें या कोई छोटा मोटा लेख पढ़कर समझ में आ जाए। इसके बारे में विस्तृत अध्ययन ज़रूरी है, तभी आप इसको डिटेल में समझ सकेंगे कि आखिर ये सब जो हो रहा है वो हो किस तरह का। अब गलती यहाँ पर ही हो जाती है कि जब से जैसे लोगों ने कोई वीडियो देखी तो उसमें उन्हें इतना तो समझ में आ गया कि जो इंसान है वो बंदरों से विकसित हुआ है, लेकिन वो हुआ कैसे है ये पूरा प्रोसेस उनको समझ में नहीं आता। तो ये सवाल मन में उठना बड़ा सहज ही हो जाता है कि जब बंदरों से विकसित हुआ इंसान तो फिर ये जो आज जो बंदर हम आसपास देख रहे हैं तो इन्होंने बेचारों ने क्या ऐसा गुनाह किया कि जो मतलब ये किस गुनाह की सजा भुगत रहे हैं कि ये बेचारे इंसान नहीं बन पा रहे। लेकिन अगर इस पूरी प्रक्रिया को आप समझ लें तो ये समझना बड़ा आसान हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो एवोल्यूशन है ये एवोल्यूशन है क्या। एवोल्यूशन पहले शब्द को समझते हैं। एवोल्यूशन शब्द का क्या मतलब? एवोल्यूशन शब्द का मतलब है समय के साथ हुआ बदलाव, यानी कोई भी चीज जिसमें समय के साथ बदलाव हो, समय के साथ वो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो या कोई वो कोई चीज आकार में बदलती जाए या अपने प्रकृति में कुछ चेंज आ जाए उसके, तो वो हम उसको कहते हैं कि ये चीज समय के साथ ये इवॉल्व हो रही है। वो एवोल्यूशन किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे कि जब विमानों की खोज हुई थी, जब रॉबर्ट राइट ब्रदर्स ने जब विमान की खोज की थी तो उस समय का जो विमान का जो आप मॉडल देखिए और आज के जो हम जम्बो जेट देखते हैं तो दोनों में बड़ा फर्क है। बीच में आप उनकी पूरा एवोल्यूशन है, आप देखो वहां से जो विमान शुरू हुआ और फिर उस समय के साथ कैसे कैसे डिजाइन उसके बदलते गए
और आज जो है वो किस तरह के विमान हमें देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक एवोल्यूशन है। तो एवोल्यूशन का एक मतलब जो है मोटा मोटा, एवोल्यूशन जो शब्द है उसका मतलब है समय के साथ हुआ बदलाव, समय के साथ जो भी बदलाव होता जा रहा है। ऐसी एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मोबाइल फोन का। अब आप देख स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमारे जो लेफ्ट साइड में जो फोन्स हैं वो पुराने फोन्स हैं, जो कि जब मोबाइल फोन आने ही स्टार्ट हुए थे तब उस तरह के मॉडल्स आते थे। तो ये जो पुराने मॉडल्स हैं आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, फिर धीरे 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 देखिए किस तरह से इनमें बदलाव होता गया। पहले कितना बड़ा और भारी फोन था, फिर वो थोड़ा हल्का हुआ, स्क्रीन का साइज बढ़ा, फिर स्क्रीन का साइज और थोड़ा बड़ा हुआ, जो स्क्रीन की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर हुई। पहले जो स्क्रीन आते थे डिजिटल स्क्रीन जो आते थे एलसीडी वाले, उनकी क्वालिटी बेहतर हुई, उसके स्क्रीन के साइज बढ़ गए, उनके फंक्शंस बढ़ गए। उसके बाद में जो स्क्रीन है वो कलर्ड हो गया, फिर कलर्ड में भी फिर एचडी स्क्रीन आ गया, फिर इस तरह से किस तरह से मोबाइल जो टेक्नोलॉजी है वो दिन ब दिन इम्प्रूव होती चली गई, और किस तरह से मोबाइल हमारे जो है मोबाइल का हम पूरा एवोल्यूशन जो है अगर हम देखें तो ये इस तरह से हुआ। लेकिन ये तो हो गया एक एवोल्यूशन शब्द का मतलब, लेकिन जब बायोलॉजी के सेंस में जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो उसका कुछ बड़ा ही स्पेसिफिक मतलब है। बायोलॉजी के सेंस में जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब है किसी जीव प्रजाति के किसी ग्रुप में पीढ़ियों के दौरान हुए बायोलॉजिकल बदलाव। यानी इस पर देखिए हर एक शब्द पर बड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। कोई एनिमल स्पीसी है उसके किसी ग्रुप में, यहां ग्रुप शब्द पर ध्यान दीजिए कि ये जो बदलाव हो रहे हैं वो ये किसी ग्रुप में हो रहे हैं, और ये बदलाव जो हो रहे हैं ये पीढ़ियों के दौरान हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि कोई जीव पैदा हुआ उसकी लाइफ के टाइम में कोई बदलाव हुआ है, वो एवोल्यूशन नहीं है। पीढ़ियों के दौरान हुए बायोलॉजिकल चेंज, ऐसे चेंज जो कि बायोलॉजिकल हैं, जो शरीर की रचना में जो बदलाव हो रहे हैं उसकी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। यहां से ही कई बार कई तरह के मिसकंसेप्शन उपज जाते हैं कि कौन से बदलाव हैं जिनको एवोल्यूशन माना जाए। तो अब ये जो यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है इसमें ये सारी चीजें इंक्लूड है कि जो बदलाव होने हैं वो किसी एनिमल के किसी ग्रुप में होने, किसी इंडिविजुअल में नहीं होने। जैसा कि हम देखते हैं कई बार कि जैसे लेमार्किज्म एक टाइम में डार्विन से पहले लेमार्किज्म काफी फेमस था। लेमार्क का कहना था कि जो हम अपने जीवन के दौरान जो कुछ भी योग्यताएं अर्जित करते हैं वही योग्यताएं हमारी आगे की जो भावी पीढ़ी है उसमें भी ट्रांसफर हो जाती है। तो उसके आधार पर उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो जिराफ के बारे में उन्होंने बोला था कि जो जिराफ की जो गर्दन लंबी हुई है उसका कारण यह है कि जो उनके पूर्वज थे उन्होंने ऊंचे पेड़ की पत्तियों को खाने के लिए स्ट्रगल किया। तो उस स्ट्रगल के दौरान जो जीव थे, जो उस समय के जो जीव थे, तो उन्होंने गर्दन ऊंची करने की कोशिश की। तो जिस तरह से उन्होंने ऊंची करने की कोशिश की तो उनके जीवन के दौरान थोड़ी बहुत गर्दन की लंबाई में फर्क आ गया, वही बदलाव आगे की पीढ़ी में चला गया। लेकिन आज हम जानते हैं कि बदलाव इस तरह से नहीं होते हैं शरीर में। आप शरीर में चाहकर भी अपनी लंबाई को नहीं बढ़ा सकते, भले ही आप कुछ भी कर लें आजकल। हालांकि बहुत सारे पत्रिकाओं में और समाचार पत्रों में इस तरह के एड्स आते हैं कि आप ये दवाई खाकर या कुछ एक्सरसाइज कर अपनी लंबाई बढ़ा सकते हैं, लेकिन लंबाई नहीं बढ़ती है। हम जानते हैं आप चाहे कुछ भी कर लें, कितने प्रयास कर लें, जो लंबाई आपके जीन्स में सेट है वो लंबाई आपकी उतनी ही रहेगी, आप कुछ भी करके उसे नहीं बढ़ा सकते। तो लेमा की थ्योरी गलत। लेकिन एक और चीज है जो कि हम अपने लाइफ में कर सकते हैं, ये फोटो देखिए। इसमें लेफ्ट साइड में एक लड़का है जो कि दुबला पतला है, स्किनी है, और राइट साइड में जो है काफी बॉडी इसने बना ली है। तो ये दोनों सेम ही पर्सन है। तो इसने क्या करा, इसने काफी एक्सरसाइज की और इसकी जो है जो बॉडी है वो बन गई। तो ये इसने जो भी इसने गेन किया इसने अपने लाइफ टाइम में गेन किया, यानी इसने अपने प्रयासों से अपने शरीर को बदल लिया। लेकिन क्या ये बदलाव आगे की पीढ़ियों में भी जाएगा, ये बात को समझना जरूरी है। तो हमें जो आज की जेनेटिक्स बताती है वो ये बताती है कि जो हम अपने लाइफ में जो कुछ भी शरीर में, जैसे हमने कोई, जैसे लड़का है इसने काफी एक्सरसाइज की, जिम गया काफी, तो उसने अपनी बॉडी बिल्ड कर ली, लेकिन ये बदलाव इसकी आगे की पीढ़ी में नहीं जाएगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि इसका जो बच्चा होगा वो मांसल शरीर वाला पैदा हो जाएगा, ये बदलाव इसकी इसके तक ही सीमित रहेगा, यही खत्म हो जाएगा। भले ही इसकी पीढ़ियों में, मतलब ये भी जिम जाए, इसका बच्चा भी जिम जाए, उसका भी बच्चा जिम जाए, कई पीढ़ी तक ये जो है पहलवानी करते रहे, लेकिन उसके बाद भी ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई बच्चा पैदा हो और वो पैदाइशी मांसल शरीर वाला हो, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि जीन्स जो है वो हमारे, हम जो कुछ भी अपने लाइफ टाइम में करते हैं उससे हमारे जीन्स चेंज नहीं होते, जीन्स हमारे वही रहते हैं। तो एक ये जो एग्जाम्पल है एवोल्यूशन का, ये गलत है। यानी कोई भी
जीव प्रजाति में जो चेंज होगा वो एक तो पहली बात है कि वो ग्रुप्स में होगा, वो किसी इंडिविजुअल में नहीं होगा कभी भी, तो और उसके लाइफ टाइम में नहीं होगा। मतलब कोई उसने लाइफ टाइम में कुछ करके अपने शरीर में कुछ बदलाव ला लिया तो वो बदलाव जो है आगे की पीढ़ियों में ट्रांसफर नहीं होता। तो ये जो है ये एवोल्यूशन नहीं है। दूसरी एक चीज हम और ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास कि जो हमारे जो बच्चे जो पैदा होते हैं, जो हमारी ऑफस्प्रिंग होती है, जो भले ही चाहे जानवरों के हों चाहे इंसानों के हों, वो सभी एक जैसे नहीं होते, उनमें भी कुछ ना कुछ चेंज होता है। जैसे कि ये फोटो देखिए, इसमें एक इंसान है जिसकी हाइट काफी लंबी है और उसके बगल में एक इंसान है जो कि काफी छोटा है। तो इस तरह के काफी सारे बदलावों वाले जो हम देखते हैं बच्चे हमारे आसपास पैदा होते हैं, छोटे मोटे बदलाव तो सभी में होते हैं। जैसे किसी के बालों का रंग अलग तरह का होगा, किसी का स्किन का कलर अलग होगा, किसी की जो हाइट है वो ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, हाथ पैरों की बनावट भी अलग अलग होती है, आंखों का रंग, नाक की बनावट, कान की बनावट, ये सारे चेंज हम आसपास हमारे कॉमन है। ये सब कोई भी बच्चा जो होता है जुड़वा यदि ना हो, वो जुड़वा में भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, तो उन दो बच्चे कभी भी एक जैसे नहीं होते। तो ये डाइवर्सिटी हमको हर जगह मिलती है, भले वो इंसान हो या जानवर हो। तो इसी डाइवर्सिटी में हम कई बार देखते हैं कि कुछ बहुत ज्यादा ऐसा बदलाव हमें देखने को मिलता है कि वहां पता चला कि किसी के जो कान है वो बहुत ज्यादा लंबे हैं, एक्सेप्शनली लंबे हैं, या जैसे ये फोटो है इसमें जो इंसान है ये काफी ज्यादा लंबा है। तो क्या हम इसको एवोल्यूशन मान सकते हैं कि कोई अगर बच्चा पैदा हुआ वो कुछ सामान्य बच्चों से कुछ अलग पैदा हो गया, तो क्या इसको एवोल्यूशन माना जाएगा? ये भी एवोल्यूशन है, क्योंकि जैसा हमने पीछे समझा था, जो पीछे एक सेंटेंस था कि एक तो ये बदलाव जो आ रहा है वो पीढ़ियों के दौरान आना चाहिए, अपने लाइफ टाइम में नहीं आएगा, और दूसरा ये जो बदलाव है ये ग्रुप्स में आएगा, किसी इंडिविजुअल में नहीं आएगा कि कोई एक बच्चा पैदा हुआ वो कुछ विलक्षण शारीरिक गठन का या कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक लेके पैदा हो गया तो उसको एवोल्यूशन नहीं माना जाएगा। एवोल्यूशन हमेशा ग्रुप्स में होगा, ग्रुप्स के ग्रुप इवॉल्व होते हैं, कभी भी इंडिविजुअल इवॉल्व नहीं। जेनेटिक वेरिएशंस हमेशा रहते हैं, अलग अलग गुण प्रकृति में थोड़े बहुत फर्क वाले बच्चे पैदा होंगे। अब जैसे बच्चे हैं उनमें बहुत सारी चीजें समान होंगी, लेकिन फिर भी सब कुछ समान नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो डिफरेंस भी रहेंगे, समान भी रहेंगे, लेकिन जो जो एवोल्यूशन है वो तब हम उसको मानेंगे कि जब कोई ग्रुप में बहुत सारे जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो कुछ एक सारी एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक को लेकर आगे बढ़े। अब जैसे ये फोटो देखिए, इसमें आप हिरणों को देख पा रहे हैं, हिरणों की ये प्रजातियां इसमें कई सारी, इन सब में सभी ये हिरण है, सभी को इनका हिरण कहेंगे। इसमें कुछ प्रजातियां, बाकी तो दुनिया भर में तो सैकड़ों प्रजातियां हैं हिरणों की, वो देखने में थोड़े बहुत बदलाव के साथ एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये सब अलग अलग प्रजातियां हैं। तो ये देखिए, ये सब अलग अलग हैं, और इनका जब एवोल्यूशन जो कहता है वो कहता है कि इन सबका पूर्वज एक समय में एक ही रहा होगा, एक समय में कोई एक ही ग्रुप होगा जो कि अलग अलग हिरणों की प्रजातियों के तौर पर विकसित हुआ। तो जितने भी आप ये फोटो देख रहे हैं ये कोई एक हिरण नहीं है कि एक हिरण अलग जैसा, ये पूरे ग्रुप्स हैं, इन प्रजातियों के पूरे बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो कि अलग अलग समय पर अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में जिन्होंने माइग्रेट किया, या फिर वहां की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है किसी वजह से चेंज हुई, तो वहां के जो भी चेंज वहां पर आए उसके हिसाब से इन्होंने उन बदलावों को अडॉप्ट किया, और जिसकी वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट जो प्रजातियां हैं वो विकसित हुई। तो ये जो एवोल्यूशन है ये होता है। अब ये सवाल उठता है कि जो ये जो चीजें हो रही हैं, एक तो दो यहाँ पर दो सवाल आ गए कि एक जो ये जो चेंज हम जो देखते हैं कि जो वेरिएशंस आ रहे हैं ये किस वजह से आते हैं, तो ये तो हमें पता है कि जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं किसी भी जो प्राणी का जो बच्चा जो जन्म लेता है तो वो जेनेटिकली बिल्कुल हूबहू अपने माता पिता का क्लोन नहीं होता, उसमें वेरिएशंस होते हैं, क्योंकि जो उसमें जो माता पिता हैं दोनों के जीन्स आधे आधे आते हैं उसके अंदर, और उन आधे आधे जीन्स में से कौन सा जीन प्रभावी रहेगा ये डिसाइड नहीं होता। तो इस वजह से जो एक ही माँ बाप के भी जो अलग अलग संतानें होती हैं वो भी उनका भी जीन जेनेटिक लेवल पर वो भी बिल्कुल एकदम क्लोन नहीं होते, एक दूसरे की कॉपी नहीं होते। तो प्रकृति जेनेटिक वेरिएशंस को इसी तरह पैदा करती है, तो वेरिएशंस होते हैं यहाँ पर, ये बात तो हमें पता है, लेकिन ये वेरिएशंस आगे चलकर किस तरह से स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस तरह से अलग अलग स्पीसीज बन जाती हैं, जिस तरह जो हिरणों की जो प्रजातियां अलग अलग बन गई, ये ऐसी कौन सी फोर्स है कि जो कि इस सब चीज को ड्राइव करती है, जो कि अलग अलग प्रजातियों को जन्म देती है, यहाँ से ये सवाल पैदा होता है। तो एक सवाल, ये तो एक ऐसा जवाब है गॉड की, कोई जो है सुपर नेचुरल पावर है जो कि इन सब चीजों को कर रही है, ये तो सबसे रेडीमेड जवाब है, जो कि जहां पर इंसानी ज्ञान जहां भी अटकता है, जहां भी हमें किसी चीज का जवाब नहीं मिलता
तो ये जवाब ऐसा है कि जो कि हमारे हमारे पास हमेशा तैयार रहता है कि ये जो कुछ भी किया ये गॉड ने किया। तो ये क्यों, ये यहाँ पर जवाब आ जाता है कि शायद कोई सुपरनेचुरल शक्ति है वो सब इन चीजों को ड्राइव करती है, इन सब चेंजेस को गाइड करती है। दूसरा एक जवाब हो सकता है कि शायद एलियंस, हो सकता है कि एलियंस धरती पर आए हों और उन्होंने इन अलग अलग प्रजातियों का निर्माण किया हो, एक ये भी जवाब हो सकता है। जवाब तो ये हो सकते हैं, लेकिन इन जवाबों में गलती क्या है, इन जवाबों में गलती ये है कि इनसे हमें कुछ भी पता नहीं चलता। और ये जवाब कहीं भी फिट कर सकते हो आप, जहां भी आपकी जो नॉलेज है वो रुकती है, मतलब जहां से आपको आगे जवाब नहीं मिलता, जहां भी सवाल कोई ऐसा है जिसका आंसर ज्ञात हमें नहीं है, वहां पर आप इन जवाबों को फिट कर सकते हो। तो जवाब तो आपको एक तरह से मिल जाएगा, लेकिन आपको कुछ नया पता नहीं चलेगा। जो गॉड है, गॉड का, गॉड के बारे में तो आज तक फिर चीज ये है कि जो दोनों चीजें हैं, जो गॉड है, गॉड के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आज तक, कोई ऐसी जांच ही नहीं जहां पर जिसमें कि गॉड किसी भी तरह से डिटेक्ट किया जा सका, तो ये तो पूरी तरह से कल्पना है। एलियंस के बारे में एक संभावना हो सकती है कि भाई जिस तरह से हम यहाँ पर धरती पर जीवन है, तो हो सकता है किसी अन्य ग्रह पर भी जीवन हो, लेकिन हालांकि एलियंस को भी आज तक किसी ने भी डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो दोनों ही एक तरह से पूरी कल्पनाएं हैं, इनसे हमें कुछ भी नया पता नहीं चलता। फिर एक तीसरा सॉल्यूशन और आता है कि कुछ ना कुछ शायद हो सकता है नेचर में ही कुछ ऐसी चीज है, कोई ऐसा फिनोमिना है जो कि इन सब चीजों को गाइड करता है, तो हो सकता है हम उसको खोजें तो हमें पता चल जाए। तो यहीं से साइंस की शुरुआत होती है। साइंस हमेशा इस तरह के जवाबों से संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि ये जवाब किसी काम के नहीं, इससे हमें कुछ भी आगे रिसर्च करने के लिए नहीं मिलता कि हम इस पर रिसर्च करें और किसी नतीजे पर पहुंच जाए। जब हम नेचर को समझने की कोशिश करते हैं कि नेचर में शायद कोई ऐसा फिनोमिना हो, उसको समझने की जब हम कोशिश करते हैं, तो यहाँ से साइंस की शुरुआत होती है और वहां से हमें उन कारणों का पता चलता है कि जिनकी वजह से ये जो भी चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। तो इन्हीं कारणों पर जो है विद्वानों ने विचार किया और बाद में जाकर एक चीज सामने आई, नेचुरल सिलेक्शन। जो डार्विन थे उन्होंने जो अपना अध्ययन किया जीवों का, बीगल शिप पर वो गए थे और वहां पर वो जो भी जीव प्रजातियां थी उनका वो अध्ययन कर रहे थे, तो उस दौरान उनको ये आइडिया आया कि शायद नेचर ही, नेचर में ही कुछ ऐसा है, नेचर में ही कोई ऐसी ड्राइविंग फोर्स है जो कि इन सब चीजों को गाइड करती है, नई नई प्रजातियों को पैदा करती है। तो ये नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया उनको वहां से आया। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है, अब यहाँ से एक सवाल पैदा होता है, नेचुरल सिलेक्शन है क्या और एक काम कैसे करता है। तो ये देखिए, फोटो देखिए, नेचुरल सिलेक्शन को लेकर कई बार लोगों में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि शायद नेचर की किसी पावर के बारे में बात करी जा रही है, क्योंकि नेचर में कोई ऐसी डिवाइन पावर है जो कि किसी चीज को गाइड कर रही है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डिवाइन जैसा कुछ भी नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको कि आप समझ सकते हो कि वो कैसे हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, तो ये पिक्चर आप जो देख रहे हो, इसमें जो नंबर वन जो पिक्चर है, लेफ्ट साइड वाली जो पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हो चूहों की, दो तरह के चूहे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, एक तो ग्रे कलर का चूहा है और एक व्हाइट कलर का चूहा है। तो यहाँ पर ये पिक्चर हमें जो क्या बता रही है, लेफ्ट वाली जो पिक्चर हमें बता रही है कि जो जेनेटिक वेरिएशन होते हैं उसकी वजह से अलग अलग तरह के जो जीव हैं वो हमेशा ही पैदा होते रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि कभी भी जो बच्चे जो होते हैं बिल्कुल जेनेटिकली एक जैसे नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ असमानताएं तो रहती रहती है। इसी तरह ये चूहे हैं, तो इनमें भी असमानता है। एक चूहे, एक तरह के चूहे हैं जिनका कि डार्कर कलर है जो कि ग्रे कलर का है, और दूसरा तरह का चूहा है जो कि व्हाइट कलर है, और ये दोनों ही चूहे लगातार पैदा हो रहे हैं। जो जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें कुछ व्हाइट कलर के हैं, कुछ ब्लैक कलर के हैं। इस तरह के आप देखें कि जो डॉग्स के जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें भी अलग अलग कलर के बच्चे पैदा होते रहते हैं। तो इसी तरह से जेनेटिक वेरिएशन है, इनकी वजह से अलग अलग रंग के बच्चे पैदा हो रहे हैं। लेकिन अब ये कहाँ पर है, अब ये जहाँ पर ये हैं, हो सकता है कि ये जिस जगह पर हैं वो कोई जगह कोई ऐसी है जहाँ पर ब्लैक कलर की सॉइल है, जहाँ पर डार्क कलर की सॉइल है, उस जगह पर है ये जो जो इनका जो हैबिटेट है वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर डार्क कलर की सॉइल है। तो वहां पर क्या होगा कि अब पिक्चर नंबर दो को देखिए, ऊपर एक बाज उड़ रहा है, तो ये शिकारी है, शिकारी के लिए किस चूहे को उठाना आसान होगा। शिकारी जो बाज होता है वो बहुत दूर से देखता है और बहुत दूर से ही अपने शिकार को देख लेता है, तो इसमें से कौन से शिकार को देखना उसके लिए आसान होगा। जाहिर है जो भी लाइट कलर के चूहे हैं, जो व्हाइट कलर वाले हैं, उनको वो आसानी से देख सकता है। तो कौन से चूहे आसानी से शिकार होंगे, जो व्हाइट वाले जो चूहे हैं उनके शिकार होने की संभावना बढ़ जाती है। तो होगा क्या, समय के दौरान जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे जो व्हाइट चूहे हैं उनके सर्वाइवल का जो उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो उनको आसानी से जो शिकारी है उनके द्वारा शिकार कर लिया जाएगा। और जब उनका शिकार हो जाएगा तो जाहिर है कि उनकी जो संतान उत्पत्ति करना है उसमें भी उनकी भी संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि जब आपका शिकारी हो जाएगा तो आप संतान कैसे पैदा करेंगे।
तो उसी तरह से चूहे हैं, धीरे धीरे उनका जो व्हाइट कलर वाले चूहे हैं उनका शिकार होता रहेगा, और जो डार्क कलर वाले चूहे हैं उनकी संख्या बढ़ती रहेगी, क्योंकि वो शिकार होने से बचे रहेंगे, वो संतानोत्पत्ति करेंगे। तो जो वो जीन है जो कि डार्कर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हावी होने का मौका मिलेगा उस पॉपुलेशन पर। वो जीन उस पॉपुलेशन पर हावी हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, एक लॉन्ग पीरियड के टाइम में वहां पर जो ज्यादातर जो चूहे होंगे वो डार्कर कलर वाले होंगे, क्योंकि जो जो लाइट कलर वाला जो जीन है उसको पनपने का मौका नहीं मिला वहां पर। तो इस तरह से जो नेचर है वो वेरिएशंस को गाइड करती है, किस तरह से कि कौन सा जो वेरिएशन है वो फलेगा फूलेगा और कौन सा वेरिएशन है वो गायब हो जाएगा या सीमित हो जाएगा। तो इस तरह से नेचर जो है चीजों को गाइड करती है। कहीं भी आप किसी भी एनवायरनमेंट में जाके देखेंगे तो वहां पर आपको जीवों के बीच में एक कंपटीशन हमेशा देखने को मिलता है, वो लगातार सर्वाइवल के लिए अपने कम्पीट करते रहते हैं। इसी कंपटीशन के कारण जो नेचर है उनमें से कुछ ऐसे गुणों का वो चुनाव करती है जो कि उसके उस प्रजाति के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अभी एक और फोटो हम देखते हैं यहाँ पर, नेचुरल सिलेक्शन का एक और उदाहरण है। ये बर्ड है, ये बीच वाली बर्ड को देखिए, ये एंसेस्टर है, ये मतलब इन दोनों जो लेफ्ट और राइट वाली जो बर्ड्स हैं इनकी एंसेस्टर है, यानी इनकी पूर्वज है। इसके सैकड़ों पीढ़ी पहले अगर हम जाएंगे तो इन दोनों बर्ड्स का जो लेफ्ट और राइट देख रहे हैं इनका अस्तित्व नहीं था, सिर्फ जो बीच वाली जो बर्ड है वही हमको मिलती। लेकिन फिर क्या हुआ कि इन्हीं बर्ड्स में से, इन्हीं जो एंसेस्टर वाली जो बर्ड्स हैं, इन्हीं का एक ग्रुप उड़कर किसी ऐसे आइलैंड पर जाता है जहां पर कि इस तरह के पेड़ हैं जिनमें से कोई बीज जो है खाने वाला, वो उसकी मात्रा वहां पर बहुत ज्यादा है, उस तरह के पेड़ों की मात्रा बहुत ज्यादा है कि जहां पर उनके बीज जो है वो उनको खाने के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। तो वहां पर क्या होगा कि अब चूंकि वो जो बीज है उनका जो शेल है, जो उनका जो खोल है वो हार्ड है, उसको तोड़ने के लिए एक ऐसी चुमच ज्यादा सहायक होगी जो कि आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं, एक मोटी वाली जो चोंच है वो उनको आसानी से तोड़ पाएगी। तो वहां पर ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं जिनकी चोंच इस तरह की है कि जो कि बीज को आसानी से तोड़ सकती है, तो उनको पनपने का मौका मिलता है, वो उनको अपनी जनरेशन बढ़ाने का मौका मिलता है, क्योंकि जो फूड, उनको फूड सोर्स इजीली अवेलेबल है, वो आसानी से बीज को तोड़ सकते हैं, खा सकते हैं, और जिससे वो सर्वाइव कर सकते हैं। सर्वाइव करेंगे तो वो अपने संतानों को भी पैदा करेंगे और उनकी जो संतानें हैं उसमें भी उस तरह के जो गुण हैं, जो पैतृक गुण हैं, वो आएंगे। हालांकि तब भी कुछ बच्चे ऐसे जरूर पैदा होंगे जो कि जिनकी जो चोंच होगी वो उस तरह की नहीं होगी, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे समय बीतेगा तो इस तरह के जो बच्चे पैदा होंगे उनकी संख्या कम होती चली जाएगी, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और जब वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अपनी संतान आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो धीरे धीरे वो जीन जो कि इस तरह की मोटी चोंच के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो उस पॉपुलेशन में छा जाएगा, उस पॉपुलेशन में प्रोमिनेंट हो जाएगा। और उसके बाद जब हम देखेंगे काफी सालों के बाद जब हम वहां जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जो एक चिड़ियों की एक नई प्रजाति वहां पर अस्तित्व में आ गई जिनकी एक चोंच एक खास प्रकार की है। इसी तरह राइट वाली पिक्चर की तरफ हम ध्यान दें तो राइट साइड में जो हम पिक्चर देख रहे हैं इसकी जो चोंच है ये पतली है, तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये चिड़ियों का जो एक ग्रुप है वो एक ऐसे आइलैंड पर गया जहां पर पेड़ पौधे उतनी मात्रा में नहीं है, लेकिन जमीन में जो कीड़े हैं, कीड़ों की मात्रा काफी अधिक है, तो उन कीड़ों को खाकर वहां पर सर्वाइव किया जा सकता है। तो उन कीड़ों को जब मिट्टी में से निकालने के लिए एक ऐसी चोंच की जरूरत पड़ेगी जो कि पतली हो, जो कि एक चिमटी जैसी हो, जो कि अंदर मिट्टी में जाकर कीड़ों को निकाल सके। तो वहां पर ऐसे इंडिविजुअल्स के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं जिनकी चोंच इससे मेल खाती हो, या कुछ कुछ ऐसी हो जिनको कि जिससे कि उनको आसानी हो उन कीड़ों को निकालने। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वहां पर धीरे धीरे समय के दौरान ऐसे ऐसे जीन्स को बढ़ावा मिलेगा जिसकी वजह से जब काफी साल बीत जाएंगे तो उसके बाद वहां पर आप देखेंगे तो इस तरह की जो बर्ड्स हैं खास तरह की चोंच वाली, जिनकी चोंच लंबी है, उनकी संख्या वहां पर आपको ज्यादा मिलेगी। तो एवोल्यूशन इस तरह से काम करता है। नेचर में जितने भी जीव होते हैं सबके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, तो जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से अलग अलग तरह के बच्चे पैदा होते हैं, और उनमें से कुछ ना कुछ कोई ऐसा, अगर उस एनवायरनमेंट में कोई ऐसा फैक्टर है जो कि किसी खास तरह के बनावट वाले, किसी खास तरह के कलर वाले इंडिविजुअल को वहां पर बढ़त प्रदान करता है, तो उसको सर्वाइवल का उसके सर्वाइवल सर्वाइव करने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं, और इस तरह से उसके उस तरह के खास गुणों वाले इंडिविजुअल्स को वहां पर बढ़ावा मिलता है, और लंबे समय के दौरान वो पूरा ग्रुप जो है वो एक खास तरह के गुणों के साथ विकसित हो जाता है। तो ये है नेचुरल सिलेक्शन का पूरा सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर कोई डिवाइन फोर्स नहीं है,
जो कुछ भी हो रहा है वो सब नेचर में ही हो रहा है। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल हम देख सकते हैं कि डॉग्स की जो ब्रीड है, आप देखते होंगे कि डॉग्स की कितनी अलग अलग तरह की ब्रीड है। एक बिल्कुल पॉकेट डॉग होता है, बिल्कुल छोटा सा, जिसको कि आप हाथ में उठा सकते हो, उसका वजन भी मेरे ख्याल से पूरा 1 किलोग्राम वजन भी नहीं होता उसका। और साथ में तिब्बतन मेस्टिफ जैसे भी डॉग हैं जिनका कि वजन 100 किलो से भी ऊपर होता है। और बाद में फिर इनके जो आकार प्रकार में भी आप बदलाव देखें, बालों किसी के फर ज्यादा हैं, किसी के फर कम है, किसी के कोई किसी का कलर अलग तरह का है, किसी के मुंह की बनावट अलग तरह की है। तो इस तरह से बहुत डिफरेंट तरह के हमें डॉग्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एवोल्यूशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ से मिलता है कि जो डॉग की जो वैरायटीज हैं, ये सारी वैरायटीज इंसानों द्वारा बनाई गई हैं। और इंसानों ने कैसे बनाई है, सिर्फ उसी सिद्धांत को पकड़कर जो कि हमें नेचर में मिलता है, सिलेक्शन। अब यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन हम नहीं कह सकते क्योंकि इसको इंसानों ने सिलेक्ट किया, तो इसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन कह सकते हैं कि यहाँ पर इंसानों ने किसी खास गुण को चूज किया और उसको बढ़ने का मौका दिया। जैसे कोई कुत्ता है, उसका उसमें शिकार करने का अच्छा गुण है, तो लगातार उन बच्चों को बढ़ावा दिया गया जो कि शिकार में अच्छे थे, तो उससे क्या होगा, समय के साथ एक अच्छी शिकारी नस्ल पैदा होती है। तो जो हमारे इंसान जो थे पुराने, हमारे प्राचीन पूर्वज जो थे, उनको इस चीज का पता था कि अगर किसी खास गुण वाले बच्चे को यदि हम उसकी ब्रीड उसको ब्रीड कराएंगे तो उससे जो संतानें पैदा होंगी उनमें भी वही गुण आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग जरूरतों के हिसाब से, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कुत्तों को ब्रीड कराया गया, उनमें कुछ गुणों को चूज किया गया और उस गुण वाले जो बच्चे थे उनको ब्रीड करा, उनको ब्रीडिंग करने का मौका उनको ज्यादा दिया गया, जिसकी वजह से अलग अलग जो वैरायटीज हैं ये अस्तित्व में। तो ये पिक्चर को दिखाने का मकसद ये है कि क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि भाई ये तो इसको हम कैसे वेरीफाई करें कि भाई जो नेचुरल सिलेक्शन है जो आपने बता दिया, क्या कोई इसको कोई ऐसा तरीका है कि इसको हम अपने आसपास होता हुआ देख सकें। तो ये बहुत डॉग्स का जो एग्जांपल है ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हम जो डॉग ब्रीडर्स हैं आप उनके पास जाएंगे तो वो बताएंगे कि जो ब्रीड्स हैं वो किस तरह से डेवलप होती हैं। हमेशा जो अच्छी ब्रीड का जो कुत्ता होता है उसके दाम बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको उसको जो मेट कराने के लिए भी उसको काफ़ी अच्छी खासी रकम मिलती है। अभी कुछ समय पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि हरियाणा के पास कोई भैंसा है, सुल्तान करके नाम है उसका, तो उसके उसके बताते हैं कि उसकी कीमत कई करोड़ रुपए है और वो उसका जो सीमन है वही कई लाख रुपए का बिकता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अच्छी नस्ल का है। तो इंसानों को ये चीज़ पता है कि जो अच्छी नस्ल का जो स्पर्म है या अच्छी नस्ल का जो जीव है उसकी जो संतानें पैदा होती हैं उसमें भी जो है उसके जो पैतृक गुण है वो आते हैं। तो इस तरह से हम अपने जरूरतों के हिसाब से चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, गुणों को सिलेक्ट करते हैं और उसकी वजह से हम अलग अलग नस्लों को पैदा करते हैं। और यही सेम चीज आपको हमारे जो खाद्यान्न हैं या हमारे जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं उनमें भी देखने को मिलेगी। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं जो बाली है, एक जो अनाज की जो बाली है, ये पहले इस तरह की हुआ करती थी। और जो राइट साइड में जो आप देख रहे हैं जो आजकल का जो भुट्टा है, जिसको हम देखते हैं मक्के का जो भुट्टा होता है, उसकी शेप ये है। तो जो पुराने टाइम में जो जंगली पौधा होता था इसका, आज से जो हजारों साल पहले, वो इस तरह का होता था जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं। आज भी कहीं कहीं दुनिया में ये जंगली पौधा पाया जाता है, लेकिन चूंकि वो हमारे किसी काम का नहीं तो हम उसको ब्रीड नहीं कराते। हम हमेशा अच्छी नस्लों को चुनते हैं कि जहां से हमारी जो खाद्यान्न की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सके। जो पुराने किसान हैं आपके, यदि घर में दादा परदादा यदि हों आपके, तो आप उनसे पता कर सकते हैं कि वो किस तरह से जो पुराने किसान हैं वो खेती करते थे। अच्छी नस्ल के बीजों को संरक्षित किया जाता था, जो अच्छी नस्ल के जो पौधे होते थे जहाँ पर अच्छे फल लगा करते थे, ज़्यादा फल लगते थे, तो उनके बीजों को वो संरक्षित करते थे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो खेती में इस्तेमाल करते थे ताकि जो फसल हो वो अच्छी हो। और आजकल तो चूंकि जो बीज हैं वो हमें मार्केट से तैयार होकर मिलते हैं, किसान जो है मार्केट से जाके बीज खरीद लेते हैं, लेकिन पुराने टाइम में जो है यही होता था कि जो अच्छे बीज होते थे उनको जो है किसान अपने आगे की जो बुआई के लिए इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जब एक खास गुण को सिलेक्ट किया जाता है, खास तरह के गुण को सिलेक्ट किया जाता है कि जब जैसे किसान का है, किसान का क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार जहाँ से, क्योंकि जब उसको वहाँ से फ़ायदा होगा, उसको आर्थिक रूप से भी फायदा होगा और यदि वो केवल अपने खाद्यान्न की जरूरत के लिए भी अगर हम उगा रहा है तो भी उसको वहीं से फायदा है कि जो जहाँ से ज़्यादा उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिल सके। तो इसलिए वो लगातार उन बीजों को होता है ताकि उसको ज़्यादा पैदावार मिले। तो यहाँ भी एक नेचुरल सिलेक्शन का बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने। इसी तरह से आप फलों और सब्जियों को देख सकते हैं। अब ये जो आप पिक्चर में आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में जो है ये केले का जंगली पौधा है। देखिए जंगली केला किस तरह का है, अंदर जो आप देख रहे हैं पूरा उसमें बीज भी सब कुछ है। और जो आपके राइट साइड में जो केला है जो कि आप आजकल हम मार्केट में खाते हैं, तो ये भी
इसको भी लगातार सेलेक्ट किया गया। ऐसे केले के पौधे जिनमें की कूदा ज्यादा था, जिनमें बीज कम थे, उनको सिलेक्ट किया गया, उनके जो है पौधे बन पाए गए। और फिर उनमें से भी जिनमें हमको ज्यादा गुदा मिला, जिनमें से बीज कम मिले, फिर आगे उनको बन पाया हमने। तो इस तरह से जब ये जनरेशन बाय जनरेशन हुआ, तो इस तरह से हमें जो आज जो हम केला देखते हैं वो हमें देखने को मिलता है। सेम इसी तरह से आप ये गाजर देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में गाजर का जंगली पौधा है और राइट साइड में जो आप देख रहे हैं वो जो आजकल जो हम गाजर खा रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि ये जो है केवल नेचर में कोई ऐसी चीज हो रही है कि जिसको कि हम समझ नहीं सकते। ये चीज प्रैक्टिकल है और हम खुद इसको, इस प्रक्रिया को सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो नेचर में तो होता ही होता है, और हमने भी जो है इसको अपने सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करके अलग अलग तरह की प्रजातियां पैदा की, जो फलों की, सब्जियों की, खाद्यान्न की जितनी भी जो प्रजातियां आज आप देख रहे हैं, उन्नत प्रजातियां जो देख रहे हैं, वो इसी वजह से पैदा हो पाई हैं कि हमने उनको सिलेक्ट किया। तो जिस तरह से हम अपनी जरूरतों के हिसाब से चीजों को सिलेक्ट करते हैं, वही काम नेचर में भी होता है। नेचर में वो चीज होती है सर्वाइवल की वजह से, क्योंकि जो भी कोई एनवायरमेंट है वहां पर जो रिसोर्सेज होते हैं वो सीमित होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सबके लिए पर्याप्त रिसोर्सेज उपलब्ध है, और उन रिसोर्सेज के लिए लगातार कंपटीशन जीवों के बीच में चलता रहता है। अब ये तस्वीर की बात करते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये हमें जब भी ह्यूमन एवोल्यूशन की बात होती है तो ये तस्वीर हमें जरूर हमारे दिमागों में आती है, क्योंकि ये हमने इसको बहुत देखा है। जो हमारी टेक्स्ट बुक्स थी साइंस की, उनमें भी हमें ये तस्वीर देखने को मिलती है। और मैं समझता हूँ ये जो तस्वीर है यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन का कारण है, क्योंकि हम लोग तस्वीर जो है हमारे दिमाग में ज्यादा अच्छे से छाप बना लेती है, और जो हम जो चीजें पढ़ते हैं वो उतने अच्छे से हमारे दिमाग में नहीं जा पाती जितने अच्छे से कोई तस्वीर चल जाती। ये जो तस्वीर है इसको देखकर ऐसा भ्रम पैदा होता है कि शायद किसी दौर में जो चिंपैंजी था वो डेवलप होते 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 इंसान बन गया। लेकिन अभी पीछे जैसे हमने बताया कि एवोल्यूशन जो है वो किस तरह से होता है, तो ये जो तस्वीर है वो गलत है। एक्चुअल में इस तस्वीर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि किसी चीज को सरल ढंग से समझाया जा सके, लेकिन इस तस्वीर की अगर ढंग से व्याख्या न की जाए तो एक कंफ्यूजन पैदा करेगी। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो असल में कोई इंडिविजुअल नहीं है, कोई एक बंदर नहीं है, वो पूरे ग्रुप्स हैं। और वो ग्रुप्स भी इस तरह से नहीं है जैसे कि हम समझ रहे हैं कि एक सीधी रेखा में पहले ये एंड देन ये एंड देन ये एंड देन ये, तो इस तरह से नहीं। इसमें भी जो है ब्रांचेस हैं। सही जो तस्वीर है वो ये है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर शाखाएं हैं। एवोल्यूशन कोई लीनियर प्रोसेस नहीं है कि लगातार एक सीधे क्रम में चल रहा है कि पहले छोटे बंदर, फिर बड़े बंदर, फिर गोरिल्ला, फिर चिंपैंजी और फिर इंसान, इस तरह से नहीं। अभी जो इस तस्वीर पर आप गौर करेंगे तो वहां पर ब्रांचेस हैं, और जो ब्रांचेस का जो जोड़ है वहां पर जो है आपका कॉमन एंसेस्टर है, संयुक्त पूर्वज है, यानी जहां से वो ब्रांच अलग हुई। यानी इसको इस तरह से समझिए कि जैसे कोई ग्रुप है, वानरों का कोई ग्रुप है, उसमें से कोई ग्रुप माइग्रेट कर गया किसी अन्य जगह पर, और वहां पर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस थी वो डिफरेंट तरह की थी, वहां की जो जरूरतें थी वो अलग तरह की थी, तो वहां की जरूरतों के हिसाब से फिर उसमें विकास हुआ। अब सोचिए अलग जाने की वजह से जो दूसरा जो उसका जो पेरेंटल ग्रुप है वो नष्ट नहीं हो जाएगा, यानी जहां से जिस ग्रुप से वो अलग हो गया है वो भी मौजूद रहेगा, वो जहां पर मौजूद है वो वहां की जरूरतों के हिसाब से ढलेगा, और जो नया ग्रुप जहां पहुंच गया है वो वहां की जरूरतों के हिसाब से ढलेगा। तो इस तरह से डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट ग्रुप्स अलग अलग जगहों पर गए, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में गए, और उनकी वजह से अलग अलग तरह के जो प्रजातियां हैं एप्स की, अलग अलग तरह की प्रजातियां अस्तित्व में। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो ग्रुप है, यहाँ से जो है इंसानों का विकास शुरू होता है। उससे पीछे वाला जो ग्रुप है वो वानरों की एक अलग प्रजाति है, जहाँ से फिर चिंपैंजीज वगैरह जो विकसित हुए हैं। तो हमारा जो, अगर आप इस तने पर ध्यान देंगे, यहाँ से जो एक कॉमन एंसेस्टर है जो इन दोनों के बीच में, यहाँ पर जो होगा, ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला ग्रुप ये कुछ भी नहीं था। यहाँ पर कोई एक ग्रुप था जिसके कुछ इंडिविजुअल एक अलग डायरेक्शन में गए, दूसरे एक अलग डायरेक्शन में गए, यानी अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में गए, और वहाँ की कंडीशन के हिसाब से इवॉल्व होने लगे। फिर उनमें से भी कुछ ग्रुप्स अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में गए, या फिर ऐसा भी होता है कि जो एनवायरमेंट है जो अर्थ का वो हर दौर में एक जैसा नहीं रहता, एनवायरमेंट भी बदलता रहता है। कई बार ज्वालामुखी इरप्शन की घटनाएं होती हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, उसकी वजह से वहाँ का एनवायरमेंट चेंज हो जाता है, जो वहाँ का फ्लोरा फूना है वो पूरी तरह से बदल जाता है, जो रिसोर्सेज हैं वो चेंज हो जाते हैं।
कई बार आइस एज आ जाती है, आइस एज की वजह से जो है रिसोर्सेज में बदलाव आ जाता है। कई बार जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से जो कोई कॉन्टिनेंट है वो अपनी मुख्य भूमि से अलग हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी जो जियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं वो भी चलती रहती हैं, जिसकी वजह से नई नई अपॉर्चुनिटीज पैदा होती हैं, नए नए थ्रेट्स पैदा होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच में जो एनिमल्स के जो ग्रुप्स हैं वो सर्वाइवल के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। तो उनमें से जो गुण किसी ग्रुप के उनको सर्वाइव करने में मदद करते हैं, उसकी वजह से उन गुणों का विकास होता है और इस तरह से अलग अलग प्रजातियां अस्तित्व में आती हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट एप्स के ग्रुप्स हैं, ये जो हर तस्वीर है ये कोई इंडिविजुअल नहीं है, ये अलग अलग पूरा एक ग्रुप है। और यहाँ पर ये बहुत संक्षेप में है, अगर इसको पूरा हम डिटेल में स्टडी को स्टडी करेंगे तो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। जो हर ग्रुप है उस ग्रुप में भी कुछ सब ग्रुप है और उन सब ग्रुप में भी सब ग्रुप है। तो यहाँ पर तो इसको छोटे में समझाने के लिए इसको इस तरह से दिखाया गया। अब इसी ग्रुप में एक ये होमो ग्रुप है जो आप ऊपर देख रहे हैं, जो होमो ग्रुप है इसी में जो है हम आते हैं। यहाँ पर जो होमो सेपियंस है इसी ग्रुप का हिस्सा है और इस ग्रुप में बहुत सारे अलग अलग मानव प्रजातियां हैं जो कि आज अस्तित्व में नहीं है लेकिन किसी समय वो सभी जो है इस धरती पर जीवित रही थी। जो होमो सेपियंस है वो उनका विकास जो है आज से करीब 2 लाख साल पहले का माना जाता है, और जिस समय होमो सेपियंस का विकास हुआ था उस समय भी कई कई जो मानव प्रजातियां थी वो जमीन पर मौजूद थी और उन सब में आपस में स्ट्रगल हुआ और उन स्ट्रगल में जो बाकी प्रजातियां थी वो नष्ट हो गई और केवल जो होमो सेपियंस है वही बचे रहे। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये नियंडरथल, ये वाला जो है ये नियंडरथल है, तो ये यूरोप में जो प्रजाति पाई जाती थी वो है। तो ये भी जो है होमो सेपियंस के साथ में मौजूद थी, इसके साथ में होमो इरेक्टस भी मौजूद था। तो ऐसा नहीं है, तो आप इससे हम ये समझ सकते हैं कि लीनियर वे में एवोल्यूशन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक ग्रुप खत्म हो रहा है दूसरा आ रहा है, दूसरा खत्म हो रहा है तीसरा आ रहा है, एक साथ भी मौजूद रह सकते हैं। जो चीजें समझने वाली हैं वो यही है कि जो ड्राइविंग फोर्स है एवोल्यूशन की वो इनको इवॉल्व कर रही है, अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग तरह से इवॉल्व कर रही है, और वो ग्रुप्स एक साथ मौजूद रह सकते हैं और वो किसी वजह से नष्ट भी हो सकते हैं। अगर आपस में स्ट्रगल होता है तो फिर उनमें जो भी ज्यादा सूटेबल होगा उस एनवायरमेंट के हिसाब से तो वो रह जाएगा, बाकी जो प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी। अब इनमें एक चीज और है, अभी जो ट्री हमने देखा ना ये भी इतना सीधा सीधा नहीं है, इसमें भी जो है ब्रीडेड स्ट्रीम्स हैं। यानी ऐसा नहीं है कि कोई ब्रांच है उस ब्रांच में फिर सब ब्रांच है फिर उस सब ब्रांच की भी सब ब्रांच है, तो ये इतना क्लीन भी नहीं है। इन ब्रांचेस में भी आपस में मिलाव है। ये जो आप देख रहे हैं ना इसको बोलते हैं ब्रीडेड स्ट्रीम। ब्रीडेड स्ट्रीम में क्या होता है कि धाराएं हैं वो अलग अलग होती हैं और फिर जाके मिल जाती हैं। यानी इसको इस तरह से समझिए कि कोई ग्रुप है, दो ग्रुप अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में गए और वहां वो अलग अलग तरह से इवॉल्व हुए और फिर किसी जगह पर आकर वो आपस में टकराए और उनमें फिर इंटरब्रीडिंग हुई और उसकी वजह से कोई थर्ड प्रजाति जन्म लेती है और फिर वो थर्ड प्रजाति जाकर किसी और से इंटरब्रीड करती है और फिर कोई अलग तरह की प्रजाति जन्म लेती है। तो ये भी बहुत हुआ है, इंटरब्रीडिंग भी बहुत ज्यादा है इन ग्रुप्स के बीच में। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा जो हमारा प्राइमेट जिनको बोलते हैं, जो बंदर जो है जितने भी बंदर हैं और गोरिल्ला हैं, चिंपैंजीज हैं और इंसान, ये सब प्राइमेट्स में आते हैं। तो ये प्राइमेट्स का एवोल्यूशन का पूरा ट्री है। तो यहाँ पर हम करें, यहाँ पर जो हम देखें जो प्राइमेट एंसेस्टर लिखा हुआ है नीचे, ये जो है समझिए इन सब का, जितने भी जो ऊपर हैं जो आप देख रहे हैं इन सब का कॉमन एंसेस्टर यहाँ पर है। और ये यहाँ पर ये जो 40 आप देख रहे हैं इसका मतलब है मिलियन ईयर्स। यानी अगर इन सब का जो एंसेस्टर होगा तो वो 40 मिलियन ईयर्स से भी पहले, यानी 50 मिलियन ईयर्स के अराउंड यदि हम जाएंगे तो हमें ये ऊपर जितने भी देख रहे हैं ना आपको ये कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप 50 मिलियन ईयर्स पहले जाते हैं धरती के इतिहास में तो आपको जो ऊपर जितने भी चीजें आप देख रहे हैं कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, वहां पर आपको कुछ और ही देखने को मिलेगा और वो जो होगा वो इन सब का एंसेस्टर है, यानी जहां से ये सारी प्रजातियां विकसित होनी शुरू हुई। तो जो एंसेस्टर का जो ग्रुप है ये सेम ही चीजें हुई, वो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में जाते गए और जिसकी वजह से अलग अलग टाइम पर अलग अलग जो लीनियज हैं वो निकलती चली गई। जैसे ये लीमर्स है, लीमर्स से फिर और आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें ये टार्सियर मिलता है, फिर न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, गिबन, ऑरेंगोटैन, गोरिल्ला। तो यहाँ पर जहाँ पर ये जो जॉइंट आप देख रहे हैं ना यहाँ पर इनका कॉमन एंसेस्टर है। इस कॉमन एंसेस्टर से ग्रुप्स अलग होते हैं, एक ग्रुप जाता है अलग होकर वो ओल्ड वर्ल्ड मंकी में चला जाता है, एक ग्रुप अलग तरह से इवॉल्व होता है वो फिर होमोनिड्स की होमोनिड्स के कई तरह के ग्रुप्स डेवलप होते हैं वहाँ से। और यहाँ भी जो आप देख रहे हैं ना ये जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी लिखा हुआ है, गिबन लिखा हुआ, ये आप इसको सिंगल ग्रुप ना मान लीजिए, ये जो क्योंकि यहाँ पर इसको बहुत ईजी करके दिखाया गया, यहाँ भी कॉमन एंसेस्टर से अलग होने के बाद भी इनमें बहुत सारे अलग अलग
जो प्रजातियां हैं वो उन्होंने जन्म लिया है और उनमें से बहुत सारी जो है वो नष्ट हो गई, और जो हम आज देख पा रहे हैं, जो हमारे आज सामने हैं, ये वो लोग हैं, ये वो प्रजातियां हैं जो कि सर्वाइव कर पाई हैं इस पूरे पीरियड के दौरान। तो आज जो कुछ हमारे सामने है वो सब कुछ वो हैं जो कि उन कॉमन एंसेस्टर से जो ग्रुप अलग हुए और जो कि सर्वाइव करके आज तक मौजूद है। तो यहाँ पर चिंपैंजी के बारे में अक्सर कहते हैं लोग कि भाई चिंपैंजी से हमारे जीन्स जो है वो काफी मैच करते हैं, 98% तक उनकी सिमिलरिटीज बताई जाती है। तो यहाँ से भी कुछ लोग कहते हैं कि शायद चिंपैंजी से इंसान विकसित हुआ है, नहीं ये भी गलत। अब यहाँ पर देखिए चिंपैंजी यहाँ है और यहाँ पर हम हैं, तो ये देखिए ये हम दोनों का जो कॉमन एंसेस्टर है वो यहाँ पर है, यानी यहाँ से हम पीरियड देखेंगे तो करीब 10 मिलियन ईयर्स के अराउंड से थोड़ा कम, उससे पहले 10 मिलियन का मतलब करीब 1 करोड़ साल के आसपास की बात है, 1 करोड़ साल के पहले इन दोनों का जो है कोई कॉमन एंसेस्टर हमें जो रहा होगा, जहां से फिर ये दोनों ग्रुप अलग अलग हो जाते हैं। अभी ये जो कहते हैं कि जो वो जो एंसेस्टर था दोनों का, जो जिनसे फिर चिंपैंजीज आगे विकसित हुए, जिनसे गोरिल्ला विकसित हुए, वो एंसेस्टर कैसा था, तो वो एंसेस्टर ये सेलेंथ्रोपस, ये जो है ये चिंपैंजीज का और हमारा, हम दोनों का एंसेस्टर है, यानी ये हम दोनों का पूर्वज है। यहाँ से ग्रुप्स अलग हुए और कुछ ग्रुप्स जो है आगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से गुजरकर चिंपैंजीज के रूप में विकसित हुए और कुछ ग्रुप्स इंसानों की कई तरह बहुत सारी प्रजातियों के रूप में विकसित हुए, और उन सारी प्रजातियों में से केवल जो हमारी वाली प्रजाति जो जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं वो सर्वाइव कर पाई। ऐसे ये जब ये ग्रुप्स अलग हुए तो उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है ये फर्स्ट ऐसा जो है एप देखने को मिलता है जो कि दो पैरों पर चल सकता था। तो बाइपीडियलिज्म जो है इसको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है ह्यूमन के एवोल्यूशन में, क्योंकि जब दो पैरों पर चलने लगे तो उसकी वजह से उसके जो हाथ जो है वो फ्री हो गए, और उसकी वजह से वो बहुत सारे ऐसे काम कर पाया जैसे टूल्स का बनाना या फिर चीज़ों को इकट्ठा करना, तो उसकी वजह से ये यहाँ से विकास होता है। तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है इसके हमें फॉसिल मिले, इसके जो हमें स्केलेटन मिला, तो उस स्केलेटन के अध्ययन से साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि ये जो जीव था ये दो पैरों पर चल सकता था। और ये कैसे पता लगता है, ये पता चलता है कि जो हड्डियों की जो बनावट होती है, जो हिप बोन है, जो फीमर बोन है, वो किस एंगल पर है, उससे पता चल जाता है कि ये जो जीव होगा वो किस तरह से चलता होगा। तो ये जो स्केलेटन है इससे साइंटिस्ट ने इस चीज का पता लगा लिया। और फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस से फिर आगे कुछ ग्रुप्स जो है डेवलप होते हैं, जो होमो स्पीसी की यहाँ से शुरुआत होती है, और ये जो जितने भी आप जो फोटो देख रहे हैं ये सब होमो स्पीसीज के हैं, इसमें अलग अलग होमो स्पीसीज हैं जो कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में रहती थी और जो कि इधर से उधर माइग्रेट करती गई, और वो उनमें से भी विकास होता चला गया। ये जो आप देख रहे हैं ये होमो इरेक्टस है, होमो इरेक्टस जो है आज के जो जितनी भी होमो स्पीसीज हैं उनमें से सबसे सक्सेसफुल होमो स्पीसीज कही जाती है, क्योंकि ये तकरीबन 10 लाख साल तक इस जमीन पर मौजूद थी लगातार, यानी जब से ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का से जो ग्रुप अलग हुआ था उस समय से ये अस्तित्व में आई थी, और उसके बाद से ह्यूमन के विकसित होने के भी कुछ समय बाद तक इसका अस्तित्व मौजूद था, ये इस धरती पर पाए जाते थे। और ये ना केवल पाए जाते बल्कि ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में फैल गए थे और वहाँ जाकर इन्होंने अलग अलग प्रजातियों को जन्म दिया था। इसमें सबसे खास बात ये थी कि ये जो था ये एक तो बिल्कुल सीधा चल सकता था, ये टूल्स बना सकता था, टूल्स बनाने की वजह से खासियत की वजह से जो शिकार करते थे शिकार करने के ढंग में काफ़ी चेंज आया, ये ग्रुप में शिकार करते थे, वहाँ से जो है समाज का जन्म होता है, समाज एक बनता है, और समाज जो है कोई भी जो है आपस में जब तक इंट्रैक्शन ना हो तब तक वो समाज जो है ढंग से काम नहीं कर सकता, तो वहाँ से फिर भाषा का विकास होता है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो कि हिस्ट्री में हुए हैं और जिनकी वजह से आज हमारा अस्तित्व संभव है। तो ऐसे इन इवेंट्स की बहुत लंबी सीरीज है, जैसे एक जो फायर का जो इन्वेंशन है ये बहुत इनक्रेडिबल स्टेप है ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर, क्योंकि आग की वजह से हमें बहुत सारे प्रीडेटर्स से सुरक्षा मिली, जो खाना जो था जो हम जो पहले कच्चा मांस खाते थे उसको पकाकर खाने की वजह से जो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे उनको शरीर के लिए एब्जॉर्ब करना आसान हो गया, और जिसकी वजह से जो हमारी जो ऊर्जा की जरूरतें थी वो आसानी से पूरी हो सकी, तो उसकी वजह से फिर जो बड़े मस्तिष्क हैं उनके विकास का रास्ता साफ हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे छोटे 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 बहुत सारे, अगर ये तो मैं बहुत ही मतलब मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ, लेकिन
बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिन्होंने जिनकी वजह से जो हमारा अस्तित्व तो आज संभव हो पाया। फिर माइग्रेशन भी एक चीज़ है, माइग्रेशन की वजह से भी जो हमारे जो एंसेस्टर थे वो अलग अलग जगहों पर गए, उसकी वजह से अलग अलग तरह की प्रजातियाँ विकसित हुई। आज भी जो हम देखते हैं, जो फोटो आप देख रहे हो, कई बार लोग कहते हैं कि भाई क्या एवोल्यूशन होना रुक गया है, तो एवोल्यूशन रुका नहीं है और इसका एक सबूत ये फोटो है। इस फोटो में आप देखिए अलग अलग रेसेस के आपको यहाँ पर इंसान दिखाई देंगे, कोई यूरोपियन रेस का है, यूरोपियन रेस के जो है बालों का रंग देखिए, उनकी स्किन का कलर देखिए, उनके चेहरे की बनावट देखिए, फिर जो अफ्रीकन नस्ल का जो है उसकी बनावट अलग तरह की है, उसका चेहरा अलग तरह का। तो एवोल्यूशन अभी भी हो रहा है, अभी भी जो है ये जो ग्रुप्स हैं ये अलग अलग जगहों की जरूरतों के हिसाब से इवॉल्व हैं। जैसे जो यूरोपियन नस्ल है, यूरोपियन नस्ल का रंग गोरा होने की वजह ये है कि वहाँ पर क्योंकि वो लोग नॉर्थ पोल के नज़दीक हैं तो वहाँ पर जो सूर्य की जो किरणें हैं वो उतनी सीधी नहीं पड़ती, तो जो विटामिन डी है उसकी कमी रहती है वहाँ पर, यानी आपको सन में बहुत ज़्यादा एक्सपोज खुद को करना पड़ेगा कि आप विटामिन डी को हासिल कर सकें। विटामिन डी की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, तो जिस समय हमारे पूर्वजों ने यूरोप में माइग्रेट किया तो वहाँ पर क्योंकि वो अफ्रीका से गए थे तो उनका जो स्किन जो कलर थी वो डार्क था, तो डार्क इंडिविजुअल की संख्या ज़्यादा थी वहाँ पर उस ग्रुप्स के अंदर, लेकिन वहाँ पर जो क्या था कि वो जो विटामिन डी उतनी मात्रा में उनको नहीं मिल पा रहा, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जिनकी स्किन का कलर लाइटर था, जिनकी स्किन का कलर हल्का था, वो विटामिन जो सूर्य के रोशनी को वो अच्छे से अब्जॉर्ब कर सकते थे, तो जिसकी वजह से वो विटामिन डी का जो परसेंटेज था उनकी बॉडी में वो सफिशियंट बना रह सकता था। जिसकी वजह से क्या हुआ, ऐसे इंडिविजुअल्स की जनरेशन बढ़ी जिनका जिनकी स्किन का कलर लाइटर था, और जनरेशन बाई जनरेशन जब ये प्रक्रिया होती गई तो आज जो हम यूरोपियन नस्ल देखते हैं तो उनका जो गोरा रंग है वो इस तरह से है। इसी तरह जो ये जो एशियन नस्ल है, ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड में, इनकी आप आंखों देखेंगे तो इनकी हुडी डाइज है, आंखें हैं इनकी, आंखों के ऊपर चर्बी की एक लेयर मौजूद रहती है। जो पहाड़ी लोग हैं उनपे आप अक्सर देखेंगे कि जो उनकी आंखें होती हैं वो मैदानी लोगों से अलग रहती हैं। तो ये कहाँ से आया, इसकी वजह ये है कि जो इनके जो पूर्वज थे वो ज़्यादातर ठंडी जगहों पर, बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों पर रहते, तो वहाँ पर ये एक फ़ायदे के रूप में ये विकसित हुआ, क्योंकि जो हुडी डाइज हैं उनकी उसके जो उसमें जो एक्स्ट्रा चर्बी है उसकी वजह से जो आंखों की नमी है वो बरकरार रहती है। जो आंखें हैं चूँकि वो एक्सपोज रहती है और उनके अंदर जो लिक्विड होता है उसका वो उसका सही रहना जरूरी, उसका मतलब बने रहना जरूरी है, वो अगर सूख जाएगा तो आंखें हमारी काम नहीं करेंगी। तो जो ठंडी जगह होती है वहाँ पर नमी की कमी होती है, तो वहाँ पर आंखों की जो नमी है वो सूख जाती है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। तो जिनकी हुडी डाइज होती है उनको इससे हेल्प मिलती है, तो इस तरह से जो हुडी डाइज है वो वहाँ से इवॉल्व हैं। तो समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर कि एनवायरमेंट है, एनवायरमेंटल कंडीशन है, वो इस चीज़ को डिसाइड करती है कि कोई जो ग्रुप है वो किस तरह से इवॉल्व होगा, और ये एवोल्यूशन रुकता नहीं, ये हमेशा होता रहता है। जो आज भी जो बंदर हैं, जो वानर हैं, एप्स हैं, उनके अंदर भी विकास हो रहा है, वो भी जो है जिस एनवायरमेंटल कंडीशन है वहाँ की जरूरतों के हिसाब से ढलते रहते हैं। अभी डिस्कवरी पर एक सीरीज देख रहा था, उसमें बताया क्या क्या था कि एक जगह पर एक बंदरों का ग्रुप है तो उन्होंने अखरोट को तोड़ना सीख लिया, वो पत्थर से अखरोट को तोड़ लेते हैं, तो ये जो लक्षण है ये भी कुछ सौ सालों के अंदर उन्होंने डेवलप किया। तो इस तरह से नई नई एनवायरमेंटल कंडीशन में नए नए गुणों को जो है प्रजातियां डेवलप करती जाती हैं और उस हिसाब से उनका विकास होता चला जाता है। तो अब वो सवाल जहां से हमने शुरू किया था कि जो बंदर जो है वो इंसान क्यों नहीं बन रहे, मैं समझता हूँ कि काफी लोग समझ गए होंगे जो कि उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये कोई लीनियर वे में नहीं है और ये कोई प्री डिसाइडेड नहीं है कि जो बंदर है वो विकसित होकर इंसान बन ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बीच में रैंडम इवेंट्स हैं नेचर के जो कि विकास को गति देते हैं, विकास की डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। तो आज जो बंदर है, पहली बात तो ये कि हम उनसे विकसित नहीं हुए, वो जो है उनका और हमारा एक कॉमन एंसेस्टर है जो कि बहुत पहले करीब करोड़ों साल पहले मौजूद रहा था और जो कि अब मौजूद नहीं है। उनमें से डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट टाइम्स पर अलग होते गए और चूंकि अलग अलग प्रजातियों के रूप में विकसित हुए, तो आज जो हम एप्स को देखते हैं, जो भी वानरों को हम देखते हैं, चाहे चिंपैंजीज हों, गोरिल्लाज हों या बंदर हों, ये सभी जो हैं ये उन बचे हुए ग्रुप्स में से हैं जो कि इस लंबे समय के दौरान बचे हैं। तो इस लिहाज से हम इनसे विकसित नहीं हुए हैं, बल्कि एक मोटे तौर पर कहें, एक आम आदमी को समझ आने वाली भाषा में कहें कि ये हमारे डिस्टेंट कजिन हैं, हम इनसे विकसित नहीं हुए और ना ही ये विकसित होकर कभी इंसान बनने वाले हैं। ये क्या बनेंगे, ये एनवायरमेंटल कंडीशन डिसाइड करेंगी, नेचुरल सिलेक्शन डिसाइड करेगा कि इनका विकास किस दिशा में जाएगा।
इसी तरह इंसानों का विकास किस दिशा में जाएगा, ये भी नेचर ही डिसाइड करेगी। इसको हम कोई भी जो है इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आगे ये किस दिशा में जाएगा, क्योंकि नेचर आगे किस तरह से रहता है, जो है किस तरह की परिस्थितियां आगे बनती हैं, वो अभी कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर इसमें कोई सवाल है तो आप सामने रख सकते हैं, तो मैं उसका जवाब दे सकता हूं। कोई कंफ्यूजन आपके बीच में तो मैं इसका जवाब दे सकता हूं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अर्पित जी, आपने बहुत ही डिटेल्ड में और जो हमारा प्रश्न था उसको बहुत ही अच्छे ढंग से सभी दर्शकों को समझाया।